हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब टीवी के अपकमिंग शो शुभ लाभ के बारे में। तो गाइज, शुभ लाभ की कहानी किस तरह की है, सारी स्टोरी डिटेल्स और बाद में मेन कास्ट कौन कौन है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, सारी डिटेल्स। तो उसके लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखते रहिए, विदाउट स्किप करें सारे वीडियो को देखिए अगर आपने सारा कुछ जानना है। तो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस शो की कहानी कैसे होने वाली है, स्टोरी कॉन्सेप्ट किस तरह की है इस शो की। तो गाइज, इस शो में जो दो मेन लीड करेक्टर्स हैं उनमें से एक है सविता, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी है अपने जीवन से। तो गाइज, वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है बिकॉज उसके जीवन में पैसा नहीं है ज़्यादा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए और वो जीवन से इस करके ही खुद दुखी है कि उसको पैसा नहीं मिलता, उसको ज़्यादा धन नहीं मिलता। और लक्ष्मी माता से हमेशा यही मांगती है कि उसके घर में भी लक्ष्मी आए, उसके घर में भी पैसा आए। और गैस, बाद में जाकर शो में एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक ट्विस्ट आएगा। वो यूनिक ट्विस्ट ये होगा कि भगवान लक्ष्मी, लक्ष्मी माता खुद अर्थ पर आएंगी। जी हाँ, वो खुद धरती पर आएंगी और फिर वो सविता को सेल्फ बिलीव और ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की वैल्यूज़ को सिखाएंगी। काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़, जैसे कि हमें खुद में भरोसा रखना चाहिए, हमें मेहनत करते रहने चाहिए, फिर हमें फल मिलता रहेगा, अच्छे काम करते रहने चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को सिखाने खुद लक्ष्मी माता धरती पर आएंगी सविता को, ये सब सिखाने। तो इस तरह का ये शो होने वाला है। और गाइस, इसकी जो स्टोरी है वो इंस्पायर हुई हुई है OMG ओ माई गॉड बॉलीवुड फिल्म से, जिसमें परेश रावल और अक्षय कुमार ने मेन लीड प्ले किया था। तो गैज, इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशंस ली गई हैं इस सीरियल में। और गैज, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का शो सब टीवी पे आ रहा हो। सब टीवी पे पहले भी कृष्ण कन्हैया नाम का एक सीरियल आया था जिसका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। और गैज, ये जो कहानी होने वाली है वो रतलाम शहर में बेस्ड होगी, जो कि मध्य प्रदेश में एक सिटी है। तो ये जो सविता का परिवार है वो वहाँ का ही होगा। अब हम कास्ट की बात कर लेते हैं। तो छवि पांडे प्ले कर रही हैं गॉडेस लक्ष्मी का रोल, जैसा कि हमें पता ही है। और गैज, गीतांजलि टीकेकार प्ले कर रही हैं यही सविता का रोल। और गाइज, नासिर खान प्ले कर रहे हैं सविता के हस्बैंड का रोल। तो उनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाला है बिकॉज वो मेन फीमेल लीड के हस्बैंड का रोल इस शो में निभा रहे हैं। और गाइज, मिथिल जैन प्ले कर रहे हैं इस शो में रोहित का रोल। उनका भी जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिथिल जैन इस शो में होंगे, मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था। तो गाइज, जो रोहित का करेक्टर है वो सविता का सबसे बड़ा सन है, यानी कि सविता का जो एल्डेस्ट सन है वो मिथिल जैन है, वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर होने वाला है। और कास्ट पे अगर हम नज़र डालें तो मनन जोशी प्ले करने वाले हैं शो में वैभव का किरदार। तो गाइस, वो भी सविता के बेटे का रोल प्ले करने वाले हैं और वो छोटा बेटा होगा, यानी कि ये छोटा भाई होगा मिथिल जैन के करेक्टर का। और गाइस, श्रेया का किरदार निभाने वाली हैं तनिषा मेहता, जो कि मनन जोशी के करेक्टर के ऑपोजिट जिनको पेयर किया जाएगा। तनिषा मेहता के बारे में आपको काफ़ी देर से बता ही रहा था, काफ़ी महीनों से। तो ये इनका जो करेक्टर का नाम होगा वो होगा श्रेया। बाकी गाइस, माही शर्मा का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस शो में होने वाला है। रूही नाम होगा उनके करेक्टर का और वो सविता की डॉटर का रोल प्ले करने वाली हैं। सविता की एक ही डॉटर होगी जिसका नाम है रूही। और गाइज, एक्टर नमन अरोड़ा को भी रोप इन कर लिया गया है इस शो की स्टार कास्ट में। उनका जो करेक्टर का नाम होने वाला है वो होगा जैकॉब। जैकॉब नाम के किरदार को वो निभाने वाले हैं। उनको आखिरी बार सब टीवी के काटेलाल एंड सन्स में भी देखा गया था। और गाइज, राहुल सिंह को भी रोप इन कर लिया गया है इस शो के लिए। उनका भी कोई रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। काफ़ी ज़्यादा सब टीवी और कॉमेडी शोज़ में वो दिख ही चुके हैं और अभी रिसेंटली सब टीवी के तेरा क्या होगा आलिया में भी वो नज़र आए थे। एक्टर भरत चौकसी को भी रोप इन कर लिया गया है इस सीरियल के लिए। अभी के लिए उनके करेक्टर पर डिटेल्स नहीं है कि उनके करेक्टर का नाम क्या होने वाला है। और गैज, अनूप लोटा भी आपको देखने को मिलेंगे इस शो में, काफ़ी ज़्यादा कॉमिक करेक्टर में, कॉमेडी के अवतार में। और गैज, सीनियर एक्ट्रेस दीपिका, जो कि अपने सीता के किरदार से जानी जाती हैं, तो गैज उनको कंसीडर किया जा रहा था सविता के रोल के लिए। तो अब सविता का रोल तो दूसरी एक्ट्रेस प्ले कर रही हैं, तो अब इस शो में वो होंगी या फिर नहीं अभी के लिए हमें नहीं पता। अफरीन अल भी इस शो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करने वाली हैं। अभी के लिए उनके करेक्टर पर डिटेल्स नहीं है कि किस तरह का करेक्टर होने वाला है। दीपक दत्ता भी इस शो में होने वाले हैं, ये भी मैंने आपको काफ़ी देर पहले बताया था। काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी शोज़ का हिस्सा वो रह चुके हैं अपने करियर में। तो गाइस, जो जो मेन कास्ट थी मैंने आपको बता दी है। बाकी शो में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो भी बता ही दिया है। कैसे माँ लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन वैल्यू सिखाएंगी सविता को, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस शो में। स्टोरी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सब टीवी के फैंस के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइए आप एक्साइटेड हैं फिर नहीं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। और गाइस, शुभ लाभ और सब टीवी की सारी लेटेस्ट अपकमिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके साथ में बेल आइकन है, यानी कि घंटे का ऑप्शन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। शुभ लाभ की सारी अपकमिंग न्यूज़ भी आप तक पहुंचती रहेगी और सब टीवी के सारे नए अपकमिंग शोज़ की ऐसी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय। और गाइज, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा अगर आपको और ऐसे वीडियोज़ चाहिए। तो गाइज, गुड बाय।